यूनानी मेडिसन्स में लिवर के लिए बहुत अच्छी दवाएं मौजूद हैं। एक पेशेंट की रिपोर्ट जिसको हेपेटाइटिस बी था, मैं बता रहा हूँ, और अभी वो पेशेंट के लोग बाहर बैठे हुए हैं, मैं सिर्फ उनकी रिपोर्ट्स आपके सामने शो कर रहा हूँ, उनका नाम वगैरह नहीं बताता। ये मैं कोई क्लेम नहीं कर रहा हूँ, बस अल्हम्दुलिल्लाह जो रिज़ल्ट आया है बस वो रिज़ल्ट आपके सामने रख रहा हूँ, क्योंकि जब पेशेंट अच्छा होता है ना तो सबसे पहले ज़्यादा डॉक्टर खुश होता है। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि जिसको हेपेटाइटिस बी, देखिए ये जब मेरे पास आए थे ना तो उनका हेपेटाइटिस बी 150 यानी नॉर्मली कितना रहना चाहिए, 0.05 के नीचे, तो इनको आपको थोड़ा सा उल्टा नज़र आ रहा होगा, ये 150 है। ओके, अब जो है इसके हिसाब से देखें तो हेपेटाइटिस जो बी है इसका पॉजिटिव आया, लिखा है देखो पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव है। अब अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही वो, खैर वो जाके उसके ऑफिस को मालूम हुआ तो उसको जॉब से निकाल दिए, क्योंकि तुम्हें हेपेटाइटिस बी है, अब तुम्हें जाके टेस्ट करना पड़ेगा, अगर जब तक तुम्हारा नॉर्मल नहीं आता वो ऑफिस के अंदर नहीं आना। वो परेशान हुए और फिर सिर्फ 3 डेज के बाद उन्होंने टेस्ट करवाया। टेस्ट करेंगे तो इसका आप रिपोर्ट आप देखो, इसके अंदर सारा जो लिवर फंक्शन टेस्ट है सब कुछ नॉर्मल है, इसके अलावा जो इसके अंदर पॉजिटिव जो बताया है इसके अंदर नेगेटिव बताया है। ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव है और 3 डेज, ये मैं ये नहीं कहता कि 3 दिन के अंदर अच्छा हो जाता है, बट हुआ है, अल्लाह के हुक्म से हुआ है, नेगेटिव हुआ है। और इसका जो सरफेस जो वैल्यू जो थी इसकी वायरल लोड वो 36, ये ऐसा जो कि 150 था वो 36, यानी पूरा का पूरा जो है अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल। यानी कहने का मकसद क्या है मैं आपको बताता हूँ शॉर्ट में। और उसके बाद जो है एक डॉक्टर के पास से उन्होंने रिपोर्ट लिखाया और इस बेस पे उनको फिर से जॉब मिल गया, यानी जॉब में उनको मालूम हुआ कि हेपेटाइटिस बी है तो उन्होंने जॉब से निकाल दिया, फिर अल्हम्दुलिल्लाह टेस्ट करवाया। ये सारी चीज़ें वेरी वेरी प्रैक्टिकल है, ये किसी किस्म का क्लेम या मैजिकल एक्ट कुछ नहीं है। यूनानी में मेडिसन है, हर्बल मेडिसन देते हैं, इसका बिफोर का भी आपके पास रिपोर्ट मैंने पेश किया, आफ्टर का भी रिपोर्ट मैंने पेश किया, और सारे उनके उनके लैब से, आप उनके कंप्यूटर में जाके देखेंगे उनके उनके लैब में उनके नंबर के साथ में सारी चीज़ें मौजूद होंगी। बस ये चीज़ें बतानी थी, और बाकी जो है डाइट भी करना ज़रूरी है, डाइट जितना फॉलो करेंगे इंशाल्लाह उतना फ़ायदा होगा।